आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ इन हॉट समर। गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? ठीक है ना। तो यहां पर देखो इसमें क्या दिया है, हॉट समर। तो समर में क्या होता है, ज्यादा गर्म है तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग, तो वी कैन से मोर स्वेटिंग। ठीक है, अगर मोर स्वेटिंग होती है हमारे अंदर और हमने क्या किया, कॉटन के कपड़े नहीं पहने, पॉलिस्टर, यू हैव यूज द वर्ड पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के आपने कपड़े पहन लिए, तब क्या होगा, इट विल नॉट ऑब्जर्व द स्वेटिंग, है ना। तो कॉटन क्लोथ हमारा क्या करता है, ऑब्जर्व। तो वी कैन राइट इट एज कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर स्वेटिंग। तो अगर वो ऑब्जर्व करेगा, है ना, तो कैसा होगा हमारा वो पसीना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, तो क्या हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा, क्या, कॉटन क्लोथ। तो नाउ वी कैन से इट बिकम वेट। अगर वेट हो गया तो क्या होगा, इट विल एक्सपोज टू द सराउंडिंग और आउटसाइड, है ना। तो वी कैन से नाउ इट विल एक्सपोज टू सराउंडिंग, तब क्या होगा, और सन इज देयर, तब क्या होगा, वेपराइजेशन स्टार्ट, अगर वेपराइजेशन स्टार्ट हुआ, है ना, तो फॉर वेपराइजेशन इट नीड्स अ एडिशनल हीट, तभी तो एवोपरेट होगा वो, पसीना अपने आप एवोपरेट नहीं होता है, इट नीड्स अ एडिशनल हीट फॉर वेपराइजेशन। तो वो एडिशनल हीट उसको कहां से मिलेगी, दैट इज योर लेटेंट हीट। तो नाउ वी कैन से इट्स अ लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट उसको कहां से मिलेगी, फ्रॉम द क्लोथ एंड फ्रॉम द स्किन, फ्रॉम द क्लोथ एंड स्किन, है ना। तो क्या होगा, जो स्किन हमारी गर्म हो गई थी उसने क्या किया, वो हीट आपकी दे दी, तो क्या हो गया, वी विल फील कूल, नाउ वी विल फील कूल एंड देयरफॉर आवर बॉडी टेम्परेचर, वी कैन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। देयरफॉर वी यूज कॉटन क्लोथ्स इन द हॉट समर। ठीक है।